गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्पीकिंग पार्ट वन एंड द टॉपिक इज स्लीप. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप एवरी डे. यहाँ पे अपने अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग जो है वो चेंज कर सकते हो. मैंने यहाँ पे कहा कि दो तरह के आंसर है. अगर आप स्टूडेंट हो तो आई एम अ स्टूडेंट सो आई गेट सो टू गेट गुड परसेंटेज आई गिव मोर टाइम टू माई स्टडीज सो आई गेट ओनली 6 आवर टू स्लीप. कि मैं 6 घंटे ही सोती हूँ क्योंकि मैं स्टडीज में ज्यादा परसेंटेज देना चाहती हूँ तो उसको ज्यादा टाइम देती हूँ. दूसरा आंसर ये हो सकता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो किसी कॉलेज में या किसी कंपनी में ड्यू टू बिजी शेड्यूल आई स्लीप ओनली 6 आवर्स. अगर इससे कम सोते हो तो कम बता सकते, अगर इससे ज्यादा सोते हो तो ज्यादा बोल सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन इज इट नेसेसरी टू टेक अ नैप एवरी डे. नैप मीन्स अ शॉर्ट स्लीप स्पेशली ड्यूरिंग द डे. अगर हम कुछ टाइम के लिए हम सो जाते हैं तो उससे हमारा माइंड जो थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है. उसके बाद इट इज एसेंशियल टू टेक नैप डेली बिकॉज इन दैट वे आवर माइंड गेट्स टू रेस्ट फॉर सम टाइम एंड गेट रिचार्ज फॉर द नेक्स्ट टास्क. अगर हमारे दिमाग ने रेस्ट ले ली है तो वो अगले काम के लिए रिचार्ज हो जाता है, तैयार हो जाता है. तो इसलिए नैप बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है. डू ओल्डर एडल्ट स्लीप अ लॉट एंड व्हाई. यस, मोर सीनियर पीपल स्लीप अ लॉट एंड देयर आर मेनी रीजन्स फॉर इट सच एज दे आर फ्री फ्रॉम देयर वर्क. क्योंकि जैसे रिटायर्ड होते हैं तो वो उनको कोई काम तो होता नहीं, वो फ्री होते हैं. सो दे स्लीप अ लॉट. द सेकेंड रीजन इज वीकनेस. ओल्डर पीपल आर वीक बोल सकते हो कि उनमें जो है फिजिकली है वो वीक होते हैं एज कम्पेयर टू यंगस्टर. सो जो काम करते दौरान काम करते समय वो ज्यादा से जल्दी थक जाते हैं कमजोरी की वजह से, तो वो ज्यादा नींद लेते हैं ताकि अपनी बॉडी को दोबारा से रिचार्ज कर सके. वट टाइम यू यूजली गो टू बेड. वेल आई लाइक टू स्लीप अर्ली एंड राइज अर्ली. सो आई फिनिश माई ऑल वर्क एट 9 PM और समटाइम 9:30 PM एंड गो टू बेड. आई वेक अप एट 5:30 AM. अगर आपका टाइमिंग थोड़ा इन बिटवीन चेंज है तो वो भी लिख सकते हो. डू यू ऑलवेज हैव अ गुड स्लीप. गुड स्लीप इज अ वाइटल फॉर अवर हेल्थ एज इम्पॉर्टेंट एज ईटिंग हेल्दी एंड एक्सरसाइजिंग. जैसे एक्सरसाइजिंग एंड ईटिंग हेल्दी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही अच्छी नींद भी इम्पॉर्टेंट है. बट समटाइम अवर नेचुरल स्लीप इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू सम रीजन सच एज वर्क स्ट्रेस और एग्जामिनेशन टेंशन हेल्थ इश्यूज. आई ऑलवेज ट्राई टू हैव अ गुड स्लीप बट ड्यूरिंग एग्जाम टाइम आई गिव मोर टाइम टू स्टडी रेदर देन टू स्लीप. सो एट दैट टाइम I do not have a good sleep, but the rest of time I take proper sleep. Did you sleep late when you were a child? My parents set my timetable for study, game, eating and sleeping. मेरे parents ही मेरा timetable set करते थे हर एक काम के लिए. They give strict instructions to follow it properly. Otherwise, they also gave me punishment. अगर मैं फॉलो नहीं करता था मेरे को पनिशमेंट भी मिलती थी. सो आई नेवर स्लीप लेट. तो मैं प्रॉपरली टाइम पे सोता था, कभी लेट नहीं हुआ. लास्ट क्वेश्चन इज हाउ हैव योर स्लीपिंग हैबिट्स चेंज्ड सिंस यू वर अ चाइल्ड. एज आई सेड अर्लियर माई पेरेंट्स सेट माई टाइम टेबल इन माई चाइल्डहुड बट नाउ आई पुट माई शेड्यूल माई सेल्फ. मैं अपने आप ही अपना टाइम टेबल सेट करता हूँ या रखता हूँ. सो नाउ आई स्लीप लेट एट नाइट. कुछ काम की वजह से या कुछ स्टडी की वजह से मैं कुछ देरी से रात को सोता हूँ. ये आप बोल सकते हो. अगर कोई और रीजन्स हैं तो वो भी आप एड ऑन इसमें कर सकते हो. सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.